हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सिर्फ 10 रुपया के खर्च में बाजार जैसी मावा की 1 kg महंगी बर्फी की तरह बनके तैयार हो जाती है। आपने मुरमुरे का झालमुड़ी और बहुत सा रेसिपी खाया हो, क्या आपने मिठाई खाया है फ्रेंड्स? अगर खाया तो कमेंट्स करके जरूर बताना। आज मैं मुरमुरे से यानी 100 ग्राम मुरमुरे से यानी 10 रुपए के मुरमुरे से बाजार की महंगी मिठाई मावा की बर्फी की तरह बनके तैयार हो जाती है। अब खाने में मत पूछिए, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है, जिसे आप बिना गैस जलाए 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए न तो आपको खोआ की, न मावा की, न घी की, न पनीर की, न किसी तरह की दूध की जरूरत पड़ेगी। इसे बनाना बहुत आसान है, खाने में मावे की बर्फी जैसी लगती है और देखिए बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाली स्वादिष्ट मिठाई बनके तैयार हो जाती है। इसे मैं तोड़ रही हूँ, इसका टेक्सचर आप देख लीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप छोटा वाला मिक्सी जार लेना, इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे, 1/2 कप से थोड़ा सा कम है, 6 चम्मच है चाय वाली जो चम्मच होती है ना, जो सबके घर में रहता है चाय वाली, उसी से 6 चम्मच डाला है। मीठा कम खाते हो तो इतने डालना, अगर ज़्यादा खाते हो तो ये 1/2 कप भर के डाला है, नहीं 2 चम्मच और बढ़ा लेना। यहाँ 3 से 4 छोटी इलायची डाला है, इससे फ्लेवर हमारी मिठाई में बहुत अच्छी आएगी। इसका एकदम फाइन सा डस्ट तैयार करना है, देखिए इस तरह का फाइन डस्ट रहना चाहिए। अगर इसमें क्रिस्टल रहे तो आप छान लेना फ्रेंड्स, देखिए इस तरह का फाइन रहना चाहिए, क्योंकि बगैर गैस जलाए हम मिठाई बनाएंगे तो इसमें क्रिस्टल नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, इस बात का आप ध्यान रखना। और यहाँ पे एक बड़ा मिक्सी जार लेना। अब इसमें क्या करेंगे, 4 कप भर के मुरमुरे डालेंगे। 4 कप यानी कि मैंने यहाँ पे 100 ग्राम डाला था, वजन से 100 ग्राम मुरमुरे का मैंने बनाया था। और साथ में यहाँ पे भुना हुआ चिनिया बादाम जो मिलता है मार्केट में, भुना के शॉप में या कहीं भी, अगर ना भी रहे तो आपके पास हो तो आप हल्का सा रोस्ट कर लेना और छिलका उतार के डाल देना, यानी 2 चम्मच भर के चाय वाली चम्मच से। यहाँ 4 से 5 काजू मैंने डाल दिया और उसके बाद इसको ग्राइंड करके एक फाइन सा डस्ट तैयार करना। देखिए फ्रेंड्स ये डस्ट रेडी हो गया, एकदम फाइन है, देखिए इतना सा मैंने लिया था, मुरमुरे थोड़ा कम हो जाता है इसलिए मैंने 100 ग्राम लिया है। अब देखिए इस तरह का रहना चाहिए, अगर इसमें रहे तो आप छान लेना, न तो मिठाई हमारी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और यहाँ पे फ्रेश मलाई लेंगे, वही मलाई जो डेली हम लोग दूध खिलाते हैं ना फ्रेंड्स, वही वाली मलाई है। अब मलाई ताज़ा लेना, 1 से 2 दिन का ले लेना, उससे ज़्यादा पुराना नहीं लेना वरना हमारी मिठाई ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच इसमें मलाई डाल दिया, इसको खूब अच्छे से फेंट लेना, ये 1 मिनट में अच्छे से फेटा जाएगा, एकदम क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। देखिए इसी तरह फेंट लेना है, देखिए इसी तरह का रहना चाहिए, पूरा एकदम मलाई से ये बन गया है, क्रीमी टेक्सचर आ गया, ज़्यादा फेटना नहीं, फिर ये मक्खन बन जाएगा तो हमारी मिठाई ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे जो मैंने चीनी पीस के रखा था वो डाल देना है, ये डालने के बाद फिर इसको ज़्यादा फेंट लेना, खूब अच्छे से पूरा क्रीमी टेक्सचर लाना है, वो लाने से हमारी मिठाई बहुत ही सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल मुँह में जाते ही घुल जाने वाली बनती है। देखिए इस तरह का एकदम बन के तैयार हो गया, एकदम क्रीमी टेक्सचर इसमें आ गया है, देखिए क्रीमी टेक्सचर आ गया है, इसी तरह का रहना चाहिए, इससे हमारी मिठाई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएगी। आपको लगेगा कि एकदम बिल्कुल ये मिठाई का टेस्ट बिल्कुल मार्केट में जो मिलता है ना मावा वाली, बिल्कुल उसी टेस्ट का तैयार होगा। अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे वही कप जिससे मैंने चीनी नाप के डाला था, उसी कप से 1/2 कप यहाँ पे कोकोनट पाउडर यानी नारियल का बुरादा डालेंगे। अगर ये आप नहीं डालना चाहें, ये पसंद ना हो, इसके जगह आप काजू का डस्ट भी पीस के डाल सकते हो, और अगर वो भी पसंद ना हो तो आप मिल्क पाउडर ज़्यादा बढ़ा देना। अब यहाँ पे चलनी रख लेंगे फ्रेंड्स, और जो मुरमुरे को मैंने पीस के रखा था ना उसको डालेंगे, छान के बनाना। अगर आप छान के बनाओगे तो आपकी मिठाई बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छी तैयार होती है। देखिए इसी तरह छान लेना है, आराम से छाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो इसमें कानून रह गया होगा वो निकल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह छान चुका है, पूरा डाल देना जितना जो मैंने पीस के रखा था, करके इसी तरह छान लेना है। ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड्स, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। देखिए जो कंथा अलग कर दिया मैंने, अब फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, खूब अच्छे से मिक्स कर देना है फ्रेंड्स, देखिए इसी तरह कर देना है। अब मिठाई बनाने से पहले फ्रेंड्स आप एक मेजरमेंट के लिए कप या कटोरी सेट कर लेना। देखिए यहाँ पर उसी कप से नाप के मैंने 1/2 कप मिल्क पाउडर डाला है, ये डालने से मावा वाला टेक्स्चर आएगा मिठाई में, बिल्कुल लगेगा कि मुरमुरे का नहीं है, जैसे मार्केट वाली मावे की बर्फी होती है ना, बिल्कुल उसी वाला टेस्ट रहेगा। और डाल के इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर देना है, आपस में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी आ गया है। अब यहाँ पे जो मलाई मैंने रखा था एक दफ़ा पूरा मत डालना, पहले मैंने 3 चम्मच डाला था, उसके फिर 2 डालना है, एक दफ़ा पूरा नहीं डालना,
डालना है, हल्के हाथों से ऐसे करना। अगर आपको मलाई पसंद ना हो तो शुरू में जो मैंने मलाई डाला था आप वहाँ पे 2 चम्मच घी डाल के कर सकते हो और इसको दूध से भी सान सकते हो। अगर आपको मलाई पसंद है तो आप मलाई आराम से डालो। देखिए मैं और फिर 4 चम्मच डाल रही हूँ, एक दफ़ा पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के एक स्मूथ सा इसका डो तैयार करना। डो ना ज़्यादा चिपचिपी रहना चाहिए ना हार्ड रहना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए। देखिए और मैं इसमें मलाई मैं डाल दे रही हूँ, आप इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके डालना। अगर आप पहली दफ़ा बना रही हो तो थोड़ा थोड़ा करके डालना, और मलाई ना रहे तो आप दूध भी डाल सकते हो। और दूध नॉर्मल टेम्परेचर का रहना चाहिए, न ज़्यादा ठंडा न गर्म, वरना गर्म रहेगा तुम्हारी मिठाई पानी छोड़ देगी, हमारी मिठाई ख़राब हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरह का स्मूथ सा डो रेडी हो गया है, इसी तरह करना है। अब इसको क्या करना है, 3 भाग में बांटेंगे। इक्वल करने के लिए यहाँ पर एक वही कप ले लेना जो मैंने कप रखा था, उसी से नाप के इसको 3 हिस्सा में बांटें। इससे क्या होगा, आप जो मिठाई आज मैं ट्रायंगल बना रही हूँ, मिठाई इंडिपेंडेंस स्पेशल बना रही हूँ, तो उसके लिए चाहिए तीनों का इक्वल रहना चाहिए। इसीलिए कप से नाप के मैं इसको पहले इक्वल कर लूँगी, उसके बाद इसमें कुछ करूँगी। देखिए आप भी इसी तरह करना, कुछ नापने का कटोरी या कुछ भी ले लेना, उसी से 3 तरह का अलग तीनों में कर देंगे। देखिए तीनों में कर दिया, फिर और थोड़ा थोड़ा तीनों में जाएगा। देखिए इस तरह का मैंने 3 हिस्से में बांट दिया है। अब क्या करेंगे, 2 हिस्से को एक साइड रखेंगे। देखिए 2 हिस्से को रखना, और यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लिया है, केसर वाला कलर लाना है फ्रेंड। उसके लिए ऑरेंज फूड कलर लेके इसको अच्छे से यहाँ पे देखिए, मैंने पहले 1 पिंच दिया था, उससे नहीं हुआ तो यहाँ पे 2 पिंच मैंने डाला। आप थोड़ा सा डाल के देख लेना, मैं कलर वाला डस्ट वाला कलर डाली, आपके पास जो कलर उस तरह डाल देना। देखिए इस तरह रेडी हो गया है। फिर दूसरा डो लेना है फ्रेंड्स, इसमें भी 2 पिंच मैं ग्रीन कलर डालूंगी। देखिए इस पर थोड़ा सा दूध डाल देना और डाल के इसको मिक्स करना, ये आराम से स्मूथली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए ये तैयार हो गया। अब इसको सेट करने, यहाँ पे मैंने बर्तन ले लिया, इस पर बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस कर लिया। इस पर पहले ऑरेंज वाला मैं डालूंगी, केसर वाला कलर, उसको डाल के अच्छे से फैला देना। फिर दूसरा यहाँ पे बीच में व्हाइट डालूंगी, क्योंकि मैंने मुझे झंडा की तरह बनाना है, 3 कलर वाला बनाना है। देखिए अब लास्ट में मैं ग्रीन कलर डालूंगी, इसको भी डाल के अच्छे से सेट करना, ये आराम से हो जाता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप ऑरेंज वाला कर रहे हो तो ऑरेंज वाले स्पून से इधर नहीं करना, एक दूसरे पे कलर चला जाता है। इसी तरह मैंने इसको सेट कर लिया, 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। 5 मिनट बाद इसको मैं फ्रिज से निकालूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स 5 मिनट हो गया, हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। इसे अब बटर पेपर पकड़ के निकाल लेना, एक प्लेट पे रखेंगे। देखिए फ्रेंड देखने में कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स कट करने ही से आपको पता चल रहा होगा मिठाई का टेक्सचर कितना स्वादिष्ट हुआ है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट स्मूथली कट रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा, मावे की मिठाई के जैसा हुआ है। इधर भी मैं साइड भी कट कर रही हूँ, इसका दिखाऊंगी जाली, देखिए कितना जालीदार हुआ है, बिल्कुल एकदम स्वादिष्ट बर्फी जैसी हुई है, मार्केट की जो बर्फी होती है ना मावा की, उसी तरह हुई है। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी वे में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी सा मिठाई बन के रेडी हो गया है। आप भी इसे एक दफा जरूर ट्राई करना, इसे बिगनर हो या बच्चे हो सब आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसे जैसा आप शेप देना चाहो काट सकते हो, मैं इस तरह का काट रही हूँ क्योंकि इधर पूरा ट्रायंगल कलर दिखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो लीजिए यह हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और बिल्कुल कम खर्च में इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्रायंगल कलर मिठाई बन के रेडी हो गया है, वो भी मुरमुरे से। आपको यकीन हो रहा होगा फ्रेंड्स ये मुरमुरे से बना है, जिसे भी आप खिलाओगे कोई को यकीन नहीं होगा कि ये आपने मुरमुरे से बनाया है, सबको लगेगा कि ये मावे की बर्फी है। देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। देखिए इसे मैं कट कर रही हूँ, स्मूथली ये कट जाएगा, बिल्कुल एकदम मुंह में जाते ही खुल जाने वाली मिठाई की रेसिपी है। देखिए कितना सॉफ्ट है इसका टेक्सचर, देखिए मैं उठा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल ये जैसे आप तोड़ोगे बिल्कुल आराम से टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए फ्रेंड्स ये आराम से टूट जा रहा है, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय।